इस वीडियो में हम द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको याद है द्विघात समीकरण क्या होता है? जी हाँ, अगर आपको याद होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर शून्य, जहाँ a शून्य नहीं है, द्विघात समीकरण होता है। आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदला जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे द्विघात समीकरण के मानक रूप को भी पूर्ण वर्ग में बदला जा सकता है। आपको इसका पहला चरण याद है कि हम इसमें क्या करते थे? पहला चरण कुछ इस प्रकार था। हम चेक करते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक स्क्वायर है या नहीं। चूंकि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, जो एक वास्तविक संख्या है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं a वर्ग है या नहीं। इसलिए हम द्विघात समीकरण में a से भाग करेंगे। a से भाग करने पर हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक एक है, जो कि एक का वर्ग भी है। प्राप्त समीकरण की तुलना हम a प्लस बी होल स्क्वायर से करने पर हमें b बराबर b बटा 2a मिलेगा। इसलिए दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए b बटा 2a का होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें यह मिलेगा, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर माइनस b बाय 2a होल स्क्वायर प्लस c बाय a बराबर शून्य, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर, जो कि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर शून्य के बराबर है। इसलिए दिए गए समीकरण का मूल प्राप्त समीकरण के मूल के बराबर होगा। आइए समीकरण का मूल निकालते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा जीरो के, तब समीकरण का मूल होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण का मूल x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो तो। अब ये बताइए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो तो भी क्या हम x का वास्तविक मूल निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो x प्लस बी बटा 2a होल स्क्वायर भी लेस देन जीरो होगा। और हम यह भी जानते हैं कि ऐसा कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो। इसलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर शून्य का मूल होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। जैसे हमने पढ़ा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर ले।